के ब्रज बसिया ब्रजेश को और सुमिरे दास नरेश और लाज शिष्य की राखियो ब्रज बसिया ब्रजेश। हां भाइयों गौर करते हैं वही सदावृक्ष सौरंगा वॉल्यूम नंबर 3 की तरफ वो लड़की बंदर के साथ में सती हो जाती है वही इधर लड़की ने जन्म लिया है पद्मा सेठ के घर आके और वो लड़का जगदीश के घर में जन्म लिया है। तो बिटिया तो जन्मी जाए के सेठ घर मेरे भैया सेठ के घर में जन्म लिया है। इधर भाइयों पद्मा सेठ की वो पुत्री है वो कितनी सुंदर है कि पद्मा सेठ की लली स्वभाव की भली सुनो सरदारी और सोरंगा जाको नाम रे जो चंद्र बदन उजियारी पढ़ाए सोरंगा। और इधर वो जगदीश के घर में लड़का ने जन्म लिया था जगदीश के घर जन्म लिया है और वो लड़की रहे जो सेठ के घर में जिसका जन्म हुआ लेकिन वो पद्मा सेठ की लड़की थी। तो सोरंगा तो रोजाना सवेरे को स्नान करे और अपने स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाए और वो जगदीश को जो लड़का है तो सुबह रोजाना सवेरे को खाए पिए और भैंसियां ढील के ले जाए खेतन में चराए के लिए। ऐसा ही नहीं भाइयों के सोरंगा पढ़बे को जावे सवेरे को जाते हैं शाम को लौट के आते हैं। लेकिन भाइयों वो लड़की जब पढ़ने के लिए जाती थी अगर रास्ते में सदावृक्ष से मुलाकात होती थी तो वो लड़की सदावृक्ष को देखती रहती थी और सदावृक्ष भी टकटकी लगाकर उस लड़की को देखता रहता था।
क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार थे। धीरे 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 इसी तरह से समय व्यतीत हुआ है। एक दिन ऐसा हुआ वह लड़की तो पड़वे जा रही और वे सदा वृक्ष रहे सबे पे लठ लय खेतन में भैंसियां घेर रहे। सब लड़की को जब देखो है तो सदा वृक्ष देखते रहे फिर सदा वृक्ष कछु बोले बा लड़की से और क्या बोले हैं। अरे किनकी है तू लाडली और छोरी क्या है आप कहां जा रही हैं। तो वह लड़की ने सदा वृक्ष से एक बात कही। अरे बिटिया तो कहिए बदमाश सेठी की ओर ग्वाला कोई सोरंगा सुबह नाम जी बताते हुए कहा है हमारे पिता का नाम पद्मा सेठ है और रोजाना हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन तुमने हमें तो पूछ नहीं ला लेकिन तुम बताओ तुम्हारा का नाम है और क्या काम करते हो। तो सदा वृक्ष से सौरंगा पूछने लगी है और सदा वृक्ष अपना परिचय देते हुए सौरंगा से बोले हैं के बेटा तो कहिए जगदीश के और छोरी कोई सदा वृक्ष मेरो नाम जी जवाब दो दिखा तो ना है तो जो हाथ में लट्ठू है जो भैंसियां चल रही हैं। अरे लठा कमरिया मेरे हाथ में और छोरी कोई भैंसी चराए वो मेरो काम जी जवाब दो है कि हम तो रोजाना सुबह घर से निकल आते हैं और शाम तक ये भैंसे चराते हैं। जवाब दिया हम तो पढ़ने के लिए जाते हैं। अब मेरे भगवत श्रोताओ अब जैसी इतनी बात सुनी तैसी लड़की तो इतनी कह के चली गई। अब शाम को वे घर आए सोने की बुद्धि बदलने की सोचने लगी जब पड़े वे जाते भला हम भैंसियां चरा चरा के परेशान है। सुबह ने अपनी भैंसियां घर छोड़ दी ऐसी जो कोई काऊ लडोरी पे मोड़ आ रहे हैं कोई काऊ नांद पे मोड़ आ रहे हैं बिन्ने ने बांधी। अब उनके भाई आ रहे हैं सो वे सब कान लगे बात का है आज मतलब
तेने ऐसिया सब भैंसियां छोड़ दई है, न बांधी न कछु करी। जवाब दो, अच्छा हम भैंसियां चराएंगे पर रोजाना पढ़वे के लिए जाते हैं, हम तो पढ़ेंगे। पिता ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है अगर पढ़ोगे तो रोजाना यानी सुबह से अगर तुम पढ़वे जाओ। अब आयो जब सवेर हो बहु बैसी जाए स्कूल में, और सौरंगा पढ़ने के लिए जाती थी उसी में सदा वृक्ष भी पढ़ने के लिए आने जाने लगे। लेकिन पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार थे कि जैसे वो जिस पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते थे तो एक दूसरे को देखे बिना नहीं बनती थी उनकी, और वे पढ़ते लिखे तो कछु ना आते, वे एक दूसरे को देखते ही रहते। मास्टर लोग बड़े परेशान, सदा वृक्ष को बुलाया, जवाब दिया ये बताइए जिस दिन से तू आया है तब से इस सब स्कूल के बच्चे न तो पढ़ते हैं न पढ़ने देता है तू। आपस में सलाह करी सब मास्टर लोगन ने, बिनकी ऐसो करो अब इनके बीच में पर्दा लगवाओ, और जब सदा वृक्ष को अलग बैठा रहो और सौरंगा को दूसरी तरफ बैठा रहो। और जब इतनी बात सुनिए तैसी सौरंगा खड़ी हो गई और जवाब दो, मास्टर जी अगर तुम पर्दा मंगाओगे पैसा भी लगेगा, इसलिए एक बात बता रही हूं तुम्हें। और सौरंगा ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी अरे पर्दा करत में देना लगी अरे मुंशी जी, कोई लागे पर्दा मंगाई गई, बीच में पर्दा लगा दी, इधर सदावृक्ष को बिठाया, दूसरी तरफ सौरंगा को बिठाया गया। लेकिन वह पर्दा में एक छोटो सा सूरा का तो पैसा भर। अब भाइयों वह सूरा का मैं एक दूसरे को देख लो करें, लेकिन वो सदावृक्ष रहे सो बाए सौरंगा को चेहरा साफ दिखाई न दे, तो बाने को पाए करो। अरे जब नाई लली निहारी बाद में सौरंगा को देखने लगो। अब तो उसी स्कूल के सभी जब मास्टर लोग परेशान हो गए तो उनने सब स्कूल में जो बच्चा आते सबन की छुट्टी कर दी, बिना कि तुम दो जन की छुट्टी ना आए और सब जाओ। अब भाइयों सब चले जाते हैं, सदावृक्ष और सौरंगा दोनों उसी स्कूल में रोक लिए। और ऐसा ही नहीं के सब की छुट्टी करी तेरा नहीं करी, सुनो मेरे भाई
सदा ब्रज सोरंगा से तब कही थी तुरत समुदाई। सदा ब्रज और सोरंगा को बुलाओ और जवाब दो, तुम एक काम करो, दोनों पाठशाला से बाहर जाओ, वो सामने बगिया है, बगिया है ना बामे घूम फिर आ, उसके बाद में वापस चले आना। अब भाइयों दोनों बड़े खुश भए, सदा वृक्ष सोरंगा दोनों बगिया में घूमने के लगे। कुछ देर तक बगिया में बैठे रहे, वार्तालाप करते रहे, उसके बाद में फिर वापस उसी स्कूल में आ गए। अब सब मार्टल लोगन ने उन्हें अपने पास से बुलाओ, जवाब दो, दोनों घूमे आए, जवाब दिया हाँ, तो एक बात पूछी है दोनों से लला के जिन कारण बगिया गए मेरे बेटा, तेरो काम बनो के नाए जी, यानी सदा वृक्ष और सोरंगा से जब पूछी है तो सदा वृक्ष तो वे मौदू हते ना, वे कुछ समझिए ना पाए चुन्ना लाल। सोरंगा खड़ी हुई गई, जवाब तो मुंशी जी हम बताएं। सोरंगा ने कही अरे बनियन की मैं लाड़ी ली, अरे मुंशी जी कोई बेचत बुढ़े और छुट्टी कर दी। जवाब दो, तुम तो मास्टर रह गए, अब लला तुम जाओ घर, जाओ बेसियां चढ़ाई हो। अब वे घर पहुंचे जाए के और जब बिन्ने पट्टी बस्ता अलग गिटा दी, तैसी बाग बाप ने की पढ़े आओ मास्टर लोग आए, बिन्ने की देखो अपने लड़का को समझा छे घरे राखो, भैया हमारे बस्ते बाहर है और तुम्हारा लड़का तो पढ़ेगा नहीं। अब बाप कहने लगो हाँ हमें तो मालूम होती कि तू मास्टर रह गो, अब ऐसा कर अपने हाथ में जो लठिया उठा और सवेरे को भैंसियां ढील और रोजाना चराई में जा। अब भाइयों सदा वृक्ष रोजाना को सुबह से शाम तक भैंसियां चराए में जाते हैं, शाम को लौट के घरे आते हैं,
और वो सौरंगा पढ़ती हैं। उसके बाद में धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत हुआ है। एक दिन वही सौरंगा अट्टे पर स्नान कर रही थी। ऐसा ही नहीं कि कर बे कोई स्नान कुमारी चढ़ गई ददाय तारी, अपनी गर्दन से हार उतार के फूटी पर टांग दिया। लेकिन महाराज चील ने पैर मिलाओ दबाए और उड़द चली गई नदी बीच में ब्रज टांग दो जाए, बिटिया पीछे पीछे बरी कहा लड़की को हार चील लेके उड़ जाती है। सौरंगा पीछे पीछे भागी है, लेकिन वह चील ने एक नदी की पार पर एक वृक्ष खड़ा हुआ था उसके ऊपर गले का हार टांग दिया है और सौरंगा भाग रही है। और जैसी माने देखो है कि वृक्ष के ऊपर चील हार टांग के उड़ जाती है, वहीं पर सदा वृक्ष अपनी भैंसे चराए रहे थे। सो मुलाकात हो गई और जैसी मुलाकात है भाई तो सौरंगा ने दोनों हाथ जोड़े, भैया ये हमारा जो हार टंगा हुआ है भला इसे आप उतार दीजिए। सदा वृक्ष कहने लगो अच्छा बाहर को हम उतारें, देखो ये दोनों ऊंचे पेड़ों है, जब पेड़ के ऊपर हम चढ़े और वो भी जल के बीच में पेड़ खड़ा हुआ है, भला हम नहीं हार उतारेंगे। सौरंगा ने हाथ जोड़े हैं, जवाब दिया है आप हमारा हार उतार दीजिए। सदा वृक्ष हम उतार तो सकते हैं लेकिन एक शर्त है हमारी। कौन सी शर्त? जवाब दो है कि अगर हमारे साथ में अगर आप शादी कर सकती हैं तो हम तुम्हारा हार उतार सकते हैं। और सदा वृक्ष ने कहा अरे कॉल करो तब हार उतारे। हार अभी उतार सकते हैं। सौरंगा कुछ देर तक तो सोचते रही, उसके बाद में सौरंगा ने बात को बदलते हुए एक बात कही, देखो अगर हम तुम्हारे साथ में अगर शादी नहीं कर पाएंगे तो हम तुम्हें एक वचन दे रहे हैं। सदा वृक्ष ने कहा कौन सा वचन? दुल्हन घर ना बन सकूं तो सुनो हमारी बात, ओ हार के एहसान में संग काटेंगे करात। भैया जवाब दिया है अगर तुम्हारे साथ हम शादी नहीं करेंगे तो इस हार के बदले में हम तुम्हारे साथ में एक रात व्यतीत करेंगे। अब भाइयों जैसी इतनी बात सुनी है तैसी वो भैंसियां चरात रहो तो वो तो हाल झट सीधे वृक्ष पे चढ़ जाते हो तो झट सीधे बंदर की तरह से चढ़ेगा और अपने हार उतारने के बाद में सौरंगा को दे दो। और प्रतीक्षा करने लगा और जैसे ही वो हार मिला है वैसे ही सौरंगा वहां से चली के वायदा करके बेटी चली दई मेरे भैया।
मेरे सोरंगा शादी के योग्य हुई। यौवन की दहलीज पर जब सोरंगा ने कदम रखा, अरे यौवन में भरा पूरे हूर सोरंगा, यौवन में भरा पूरे है सोरंगा, बिटिया नागिन सी लहराए जी। इधर पद्मा सेठ की पत्नी ने यानी सेठ जी को बुलाओ, जवाब दिया, देखो सेठ जी बेटी शादी के योग्य है, कई सुंदर सा घर वर ढूंढ के बेटी की शादी कर दो। सियानी तो बिटिया घूमे महल में मेरे सैया, कोई देव भमरिया ना रे जी। पत्नी ने पति से कहा है बेटी शादी के योग्य है और कोई सुंदर सा घर पर ढूंढ के इसकी शादी कर दो। भाइयों, पद्मा सेठ ने एक सुंदर सा लड़का ढूंढा है और सोरंगा के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन सदाव्रत से मुलाकात नहीं हो पाई। अब जिस दिन सोरंगा ससुराल के लिए जाने वाली थी, शादी हुई, अब सवेरे में वे ससुराल जाती, वैसे ही सदाव्रत यानी छत के पीछे सोरंगा ऊपर खड़ी है, इशारा किया आप ससुराल के लिए जा रही हो, लेकिन हमने जो हार उतारा था कि हार के ऐसान में काटेंगे संगरात, जवाब दिया ऊपर से सोरंगा ने कि देखो अब हमारी शादी हो रही है और अब हम तुम्हारे साथ में, यानी जो हमने वायदा किया था, जो मैंने तुम्हें वचन दिया था वो तो पूरा मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूं, हम तुमसे मुलाकात कर सकते हैं। सदावृक्ष ने इशारा किया कैसे, तो ऊपर छत पे जो सोरंग आती सुबह हसिया उठाओ, फिर एक काम करो, क्या वो हसिया लेके, जवाब दिया के हसिया तो लेके रब रब यारे मेरे प्यारे, यानी जवाब दिया है, यानी कहीं गाड़ रखे या पतेल के पूरा काटो, अरे डगरा मढ़ैया से हम जाएंगे उसी रास्ते पर आप झोपड़ी डाल लीजिए और मैं किसी बहाने से और हम तुमसे अवश्य ही मुलाकात करेंगे। अब सदावृक्ष ने ऐसिया लेके गौ जवान सुपतेल काट लाओ, वैसी हाथन से नोच लाओ, बढ़िया सी सुंदर मढ़ैया बनाई और भाई एक तोता पिंजड़े में बंद कर लिया और भाई जब रान लगो सोरंगा की प्रतीक्षा में, इधर सोरंगा जब ससुराल के लिए चली है तो कहार डोली को लेके चले और जैसी सोरंगा ने झोपड़ी देखी है तो वैसी समझ गई, तो सोरंगा ने कहारों से एक बात कही, भैया अरे दुलिया तो निक मेरी रोकी हो यारे मेरे भैया, कोई सुनो कहारो मेरी
देख लियो, क्योंकि जब मैं हम देवी की पूजा करवे जा रहे, अब वो कहार सोच लगे भगवान जहां कौन सो मंदिर हुए जहां जो पूजा करवे जा रही है। लेकिन वो राजा की लड़की थी, भला कहार कह के आ सकते थे? कहारों ने डोली को रोक दिया है। अब लड़की जो सौरंगा उस झोपड़ी के अंदर गई है, लेकिन वे मौदू तब तक सोए रहे, वो जगाती रही, लेकिन वो जवान खर्राटे भरे। और जब वो ना जगो है तो सौरंगा ने देखा है इधर उधर, तो एक पिंजड़े में तोता बंद है। तोता को जब देखा के देखे नजर पसार, सोए सुख मार गई घबराई, और सोचे मन में ठाड़ी ठाड़ी कैसे ले जगाई। क्या करें कैसे जगाएं, कोशिश की लेकिन जब वो नहीं जगे, तोता के पास में आके तोता से एक बात कही, भैया देखो तोता पास, देखो तोता पास, तो भाई उदास कहीं समझाई, जे मोदू जब जग जाए तो दियो बताई, दियो बताई, जे मोदू जब जग जाए तो दियो बताई। लड़की ने बस तोता से कही, भैया अगर ये जग जाए तो इन्हें समझा देना, और भला ये हमारी याद अब ना करें, और इन्हें समझा बुझा के। लड़की जो सौरंगा थी तोता से कहने लगी के याद जो मेरी अब ना करे, अरे मेरे सुवना समझा देना, क्योंकि अब मैं ससुराल जा रही हूं, और भला हमारा पीछा न करें। अरे जाकी हती सो ले गयो मेरे सुना, अब इनको मिलन की समझाओ है। और वे जो सोएरे आते अपनी आंखें से थोड़ो काजल लो, अब कालों से उनके हाथ पर लिख दी धारा नगरी। अब लड़की डोली में बैठ के वहां से चली जाती है। रास्ते में एक बुढ़िया मिली है, तो वह बुढ़िया को वह लड़की ने समझाओ है, मैया अगर इधर से कोई भगत भव आए तो भाई समझाए दियो हमारा पीछा न करें, भला वो वापस चले जाए। अब इधर तो सौरंगा अपनी ससुराल के लिए चली जाती है, अब ये सदा वृक्ष की आंख खुली, सुबह ने जैसे ही हाथ पे देखो सो लिखी धारा नगरी। फिर तोता तो पूछी क्यों ना तेने हमें जगाओ ना, तोता कान लगो भला हमने तो कितनी आवाज लगाई लेकिन आप सोते रहे, भला तुमसे मिलने के लिए सौरंग आई। सदा वृक्ष कान लगो अब पहले हम तो यह मेट दें ताकि बाद में कुछ और काम करेंगे। सो गुस्सा में जैसे ही पिंजड़ा से तोता को निकालो तैसे तोता तो वहां से उड़ेगा। अब तोता उड़ेगा, अब भाइयों बिन्ने हाथ पे देखी तो धारा नगरी लिखी वही है। अब सदा वृक्ष दौड़ने लगे, भागने लगे, और भागते जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर भागने लगते हैं, और धीरे 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 वहीं पहुंचे कहां, जहां पे बड़ी बूढ़ी डोकरी बैठी है। और जैसी बड़ी बूढ़ी डोकरी को देखो तैसी सदा वृक्ष ने उनसे एक बात पूछी, मैया
इन डगर इन डोली आ गई मेरी मैया मैया जा रास्ता से कोई डोली में बैठ के कोई गोरी तो नहीं गई है। अरे डुलिया में बैठी है क्या गोरिला मेरी मैया वो हंसे के रो बता जाएगी। सदावृक्ष ने पूछी मैया जब बता डोली में जो लड़की बैठी थी वो रो रही थी कि हंस रही थी। बड़ी बूढ़ी मैया ने हाथ पकड़ के बैठा लो जवाब तो लला बैठ जाओ। और बड़ी बूढ़ी बोली लड़की बैठी थी न रो रही थी न हंस रही थी बड़ी बेचैनी से इधर उधर देखती वही जा रही थी। और जैसे इतनी बात सुनी तैसी सदा वृक्ष बू फिर भाग दो और जैसी भागो तैसी बुढ़िया ने हाथ पकड़ो जवाब तो चले जाइए बैठ जा निका आराम कर लो बैठा लो। और बैठा रहे के बाद में लेकिन बिना तो चैन ही नहीं पड़ रो फिर भागे जवाब तो देखो रुके जाओ ऐसा करो तुम्हें भूख लगी होगी जो देखो सामने उखा रही है ना जामे को गन्ना है बढ़िया से ले और गन्ना चूसवे के बाद तब जाइयो। अब चले बुढ़िया बोली ऐसो करियो बढ़िया सो जो मोटो सो है छुन्ना लाल बढ़िया सो ढूंढ के लइयो। सो अब बेवा उखारी में ढूंढते भरे कौन सो मोटो है कौन सो पतरो है। सो बढ़िया मोटो सो गन्ना लेके आए डोकरी के हाथ में दे दो। सो उन बड़ी बूढ़ी क्योंकि बुढ़ापा उनके अंदर अनुभव था तो उन्होंने उसे गन्ने के तीन टुकड़े किए और तीन टुकड़ा करवे के बाद में पहले तो जरमाओं को खबाओ कही लो पहले जाए खा जरमाओं को खाओ कैसो लगो जवाब दो अरे तबीयत ही खुश हो गई। उसके बाद में फिर बीच को खबाओ जवाब दो जू कैसो लगो जवाब दो अच्छो तो लगो लेकिन जो पहले लगो तैसो तो ना है। हाँ फिर जो अगोला हो तो है हाँ ऊपर रखो सो बाय खबाओ निकल ला ले जाए खाओ जो कैसो लगा रहे चुप रहो जान तो बिल्कुल मुंह ही खराब कर दो। बड़ी बूढ़ी कान लगी लला अब अंधे हो और बोली है के पहलो तो रस रसिया चखो मेरे बेटा कोई तू जो चखो है कहा बड़ी बूढ़ी कान लगी लाला वापस चले जाओ। बड़ी बूढ़ी में तो धक्का मारो लेकिन वो वहां से भाग दो क्योंकि मन मतंग माने नहीं जब तक खता न पाई और जैसे विधवा स्त्री गर्भ
अब रहे पछताए। अब भागत जा रहो है, भागत जा रहो है, भागते भागते उसे पिपास लगी। रास्ता में एक भरा चल रहा पानी चल रहा था। अब्बा ने जैसे पानी पीबे के लो दो हाथ ने की उंजरी बनाई तो बा में लिखी, हाथ पे लिखी थी धारा नगरी। सोच लगे अगर हम पानी में अगर हाथ भिगा रहे तो जो लिखा हुआ है ये मिट जाएगा। अब भाइयों को भरा में यानी पानी पीने लगा, कैसे? जैसे मिर्गा कुत्ता बिल्ली पीते हैं। और जैसे पानी पीने लगे तो वहां पे कुछ लड़कियां खड़ी भी आपस में सलाह करने लगी कि बहना के जाके हाथ बने पैया बने, अरे मेरी बहना कोई देखन मेरा जकुमार जी, बोली अरे हिरना के मुख सुरक्षित हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही हिरन की तरह से पानी पी रहो है। तो दूसरी लड़की का जो समझदार थी सच है ना, दूसरी बोली बहन तू सिरे नहीं तो मालूम ना है। और बोली मालूम नहीं है। इश्क दीवानों का यही हाल होता है। अब भागते भय वहां से चले गए और जैसे उन्होंने देखा लिखा है धारा नगरी और बाई नगर में जब पहुंच जाते हैं तो सोचने लगे कि इस तरह से हम जाएंगे क्या करना चाहिए। तो भाइयों उन्होंने यानी भेष बदल लिया, साधु का भेष बनाया, जो अपने वस्त्र थे वो वस्त्र बदल लिए और एक महात्मा को भेष बनाओ है ऐसा ही नहीं सचिन। लीनो साधु भेष बनाई तो हो जाता है। प्रेमी प्रेमी के जब नेत्र मिलते हैं ना ही पल की देर लगाई गली गली आवाज लगाई, प्रीत न करियो परदेसी सो
सदावृत साधु को भैंस बनाए के बाद नगर में घर घर में भिक्षा मांगने लगे। एक घर में भिक्षा मांगते हैं, चार घर छोड़ते हैं और भिक्षा को तो बहानो तो लला। और वहीं पहुंच गए, बस लड़की ने ऊपर से देखो, जैसी मन देखो वैसी सोचन लगी, ले हो जे आए गए मोदू। अब आवाज लगाने लगे के बेटा तो कहिए जगदीश के मेरे भैया, लड़की को देखें सदावृक्ष कहने लगे, अरे तेरे ही कारण जोगी बने मेरी प्यारी, कोई घर घर मांगी गंगा भी करी। नीचे उतर के आई, अपने सासू के पास में आई और अपनी सास से कही, मैया हमारे यहां पर ऐसा नियम है, अगर कोई साधु संत भिखारी अगर भिक्षा मांगने आता है तो घर में जो नई बहू होती है वही भिक्षा डारे में जाती है। और सासु आती सीधी सादी, जवाब तो ले बहू, जेऊ कोई बड़ी बात है, जाओ तुम डारे। अब लड़की ने यानी कटोरी में नीचे तो मोती भरे सुन्ना लाल, ऊपर से यानी थोड़ा आटा भूसी वगैरह डाल ली और लेके जब चली है और जैसी बिने के सामने पहुंची तो बेतो जवान गुस्से ही में तो सुबह ने खींच के एक हाथ मारो, सुबह की सिर्फ मोती भोती नीचे बिखरे, ऊपर कौआ बैठे थे सो कौआ मोती चुगन लगे, ऊपर कछो छत पे बिटरियां देख रही थी। जवाब दो बहन, एक बात समझ में नहीं आई, कौन सी? अरे जानगरी में मूरख बस मेरी बहना, कोई चतुरा भी खतनाई जी। जवाब दो, तू तो पागल है बहन, अरे जानगरी में चतुरा बस मेरी बेना, या में मूर्ख कोई है नहीं जी। अरे बारिक यारी ऐसी होती है मेरी बेना, भाइयों
इधर सदावृक्ष ने जब सौरंगा से कहा है और सौरंगा ने सदावृक्ष को पहचाना है तो जवाब दिया है, तुम एक काम करो, गांव से बाहर जो बगिया है और वहीं तुम मिलना और हम समय निकाल के रात में आएंगे। अब भाई सदावृक्ष तो महात्मा को भेष बनाए के बगिया में एक आम के वृक्ष के नीचे बैठ गए। सौरंगा ने अपने सास से कही, मैया घर में अगर आग लगे जाए तो क्या करना चाहिए? जवाब दो, ले बिटिया घर में आग लगे जाए तो बाहर चली जाओ और बाहर आग लगे जाए तो घर में आ जाओ, जो कुछ पूछी भाई बात है। अब भाइयों पर लड़की ने रात में आग लगाई दी और रात में आग लगाई और मैं किबार खोले के बताओ आग का तो बहाना था। और वे मौदू जो बैठे थे आम के वृक्ष के नीचे से ऊपर से एक आमिया टपकी, सो बिन समझी पहाड़ गिर रहो का बात है को मर रहो। अब वे हुआ से उठे और दूसरी जगह बैठ गए जाएके। सौरंगा वो आम के वृक्ष के नीचे पहुंची है लेकिन वहां पर कहीं सदावृक्ष जब नहीं मिले हैं उसके बाद में वापस लौट के आई। और जब वापस लौट के आई है सासू ने जब देखो है वैसी कलेजे से लगा लिया, बेटी बहुत अच्छा हुआ, मैंने तो ये समझा था बहू कहीं तुम अग्नि में जल तो नहीं गई। दूसरा दिन हुआ है साधु का भेष बना के फिर घर घर में भिक्षा मांगा है। तो सौरंगा ने सदावृक्ष को समझाया है कि तुम एक काम करना, तुम एक मरा हुआ सर्प हमें दे जाओ। अब भाइयों मरो भाव सर्प बेकूत लेके आए हैं और सौरंगा को समझा हुआ कि जा चार रुपए पे तुम लेट हो वहीं पे जो मरो बहो ऊपर निशान भी हो ना। अब सर्प को पैर से लगाए कि सौरंगा सो जाती है। सवेरा जब हुआ तो इधर जब सौरंगा जब नहीं उठी, आंखें नहीं खुली हैं, सर्प देखा है तो सब घर वालों ने समझ लिया कि जब सर्प के खाने से सौरंगा खत्म हो गई और बहू के जहर से ये सर्प भी खत्म हो गया है। अब भाई उस सौरंगा को लेके सब मरघट में पहुंचे हैं, उनका पति और सब गांव वाले चिता में जब सौरंगा को चिन दिया है, अग्नि वैसे ही जलने वाली थी और वैसे ही वहां से वो बांस लेके जो सदावृक्ष ने पहले समझा दिया था के कूदो लेके तब बांस को मेरे भैया था। उसका पति अग्नि देने जा रहा था और वैसी वो जवान बांस लेके बहुत चुपट गए, वैसी बांस सब भाग जाते हैं सभी नंगर के लोग। सौरंगा को खड़ा किया है और दोनों बांस से चले हैं। अरे दोनों बांस से चले दे मेरे भैया लई पटरी पर दोनों लेट जाते हैं। अरे पीछे गेल में दोनों सोई गए मेरे भैया एने ओ सुर कछु नाही जी। इधर दोनों जब सो जाते हैं पहले होश भी नहीं रहा, तब तक सवेरा हुआ। लेकिन एक राजा घोड़ा पर सवार होके आया, उसने देखा एक सुंदरी वो एक पागल इंसान के साथ में सो रही है। तो वह राजा ने अरे गैल में सोबे देखे सुंदरी मेरे भैया गैल में सोबे भाई घोड़ा पर रख के चलो जातु है। सवेरा हुआ जब सदावृक्ष जगे हैं उसने देखा
कि सोरंगा नहीं है, सोरंगा की याद में वो तड़पते रहे। अब भाइयों इंतजार करें, यानी वॉल्यूम नंबर 4 का, किस तरह से और सदा वृक्ष की सोरंगा से मुलाकात होगी। ये भाग नंबर 4 में इसी त्रिमूर्त डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। मैं नरेश, अरे गेल में सोबे